यार ये सब कुछ करके देख चुका हूँ लेकिन ये बेली फैट कम ही नहीं होके दे रहा यार। अल्लाह कुछ कर दे अल्लाह। ओए कम हो गया। वाह यार, तो आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूँ जो कि आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हो और उसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा होता। फिर आप कहते हो यार हमारा बेली फैट नहीं कम हो रहा। ऐसे ऐप्स आप लोग सारे चाहते होंगे बनाना, लड़कियां देखी होंगी वो ऐप्स बेशक नहीं बनाना चाहती होंगी, लेकिन पेट कम करना हर बंदा चाहता है। लोग जिम में आते हैं वो सिर्फ एक बात करते हैं, सर पेट कम करना है, सर कुछ बता दें पेट कम करने की। उनको बॉडी नहीं बनानी, उनको सिर्फ पेट कम करना है। तो आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हो, और ये गलतियां छोड़ दो ना आप तो आपके ऐप्स भी आएंगे और आपकी बॉडी जिस तरह भी आप चाह रहे हो ना आपकी बॉडी भी बनेगी। सिर्फ ये गलतियां छोड़ दो। आपने क्या करने, आपने इस वीडियो को पूरा देखते जाने हो, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अच्छा हमको सिखा रहा है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करिएगा फॉर माय डेली एक्टिविटीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बाकी वीडियो की तरफ। तो साथ आ जाओ। तो ये पहली गलती है, समझ तो आप लोग गए होंगे, डेली आके आप लोग ऐप्स लगाते रहते हैं और इतनी ज़्यादा रैपिंग करते रहते हैं। प्लीज़ यार पेट का पीछा छोड़ दो यार, इतने ज़्यादा वेट लगाते रहते हो डेली बेसिस पे, पेट की रैप्स मार मार के पेट की हालत ख़राब कर दोगे। तो यार ये पहली गलती आप लोगों की जिसमें आप लोगों ने पेट डेली नहीं ट्रेन करना, 2 दिन का रेस्ट दिया करें उसके बाद पेट को ट्रेन किया करें। और क्रंचेज मारने से आपका पेट नहीं कम होगा, कार्डियो करने से कम होगा और डाइट करने से कम होगा। अगर आप ये समझते हैं क्रंचेज मार मार के स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो क्रंचेज ना मारें और डेली बेसिस पे ना पेट लगाएं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि पहली मिस्टेक थी। और अब हम चलते हैं सेकेंड मिस्टेक की तरफ, तो इस वीडियो को देखते रहें। तो दूसरा जो पॉइंट है ना हमारा वो है ये अंडों वाला, नहीं अंडों वाला पॉइंट नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारा डाइट का जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते और फिर आप कहते हैं हमारा बेली फैट कम हो जाए। यार ऐसे कैसे बेली फैट कम हो जाएगा जब आप बाहर के पिज़्ज़े खा रहे हो, बर्गर्स खा रहे हो, चीज़ वाली चीज़ें खा रहे हो, फैट वाली चीज़ें खा रहे हो, कैसे बेली फैट कम होगा? आप इतनी मेहनत से जिम में आके वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, पसीना निकालते हो, फिर आप जाके अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हो, आप बाहर से जाके इतने पैसे वेस्ट करते हैं। एक तो अच्छी चीज़ों पे पैसे वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो भाई सेकंड जो पॉइंट है ना वो डाइट का है, अपनी डाइट को ठीक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट डाइट करो लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल करो। एग्स प्रोटीन, ये मैं क्यों खा रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन की सोर्स है, तो आप कोशिश करें बॉयल फूड्स खाएँ। डाइट प्लान मैंने अभी अपना प्रोग्राम ख़त्म किया जिसमें मेरा डाइट प्लान भी है पूरा, ब्रेकफास्ट लंच और वेट लॉस का जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया, जाके देखें आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा। तो सेकंड हमारा पॉइंट है डाइट, कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, बेली फैट आपको कभी भी कम नहीं होगा अगर आप डाइट अच्छी नहीं करेंगे। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो साथ आ जाएं। सो ये तीसरी गलती है जो कि आप लोग कर रहे होते हैं, ये कार्डियो कर रहा हूँ मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोग भी ऐसे कार्डियो कर रहे हो तो मोबाइल एक हाथ में पकड़ा होता है, इतने मज़े ले के कार्डियो कर रहे होते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, ऐसे कार्डियो करते हैं। कार्डियो का मतलब होता है आपकी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हार्ट बीट तेज़ हो, इससे हार्ट बीट तेज़ हो रही है आपकी, आप आराम से वॉक करते रहेंगे, आपकी ना तो हार्ट बीट ऊपर जा रही है ना कुछ। तो ये तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक है जो कि आप कर रहे होते हो, आपके फैट ही बर्न नहीं हो रहा। कार्डियो करें, थोड़ा जान लगाएं यार, ये जान लगाएं ताकि आपकी 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 जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो और आपकी बॉडी फैट बर्निंग स्टेज पे जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जान लगाती रहो और फुल स्प्रिंट मारते रहो, 1 मिनट स्प्रिंट मारें, 3 मिनट आराम से चलाएं, लेकिन ये क्या होता है मोबाइल यूज़ करें, कॉल पे लगे हुए आराम आराम से कार्डियो किया, 5 मिनट किया, पसीना भी नहीं निकला। जितना पसीना निकालेंगे उतना आपका फैट बर्न होगा, याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से तीसरी आपको टिप थी और इस गलती को मत किया करें, इतने आराम से कार्डियो मत करें, थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाया करें। तो ये तीसरी मिस्टेक थी, अब हम चलते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ, तो कम ऑन गाइस। अरे यार सही थक गया हूँ, क्या करूँ यार, प्यास लग रही है सही, पानी भी नहीं पी सकता, ट्रेनर ने बोला था पानी नहीं पीना। यार बुलशिट, पानी दो दो यार, किसने कहा पानी नहीं पीना? ये इतनी बड़ी गलती है जो कि आप लोग कह रहे होते हो यार, पानी आप वाटर आप नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी, आप जो हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो स्वेटिंग की फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर निकलता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप पानी पीने से आपकी बॉडी फैट लॉस स्टेज में नहीं जाएगी, आपका बहुत गेन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। जितना पानी पियेंगे उतना वेट लॉस आपका अच्छा होगा और आपकी बॉडी उतना वर्क करेगी, क्योंकि पानी से हमारी बॉडी, हमारे गुर्दे, लंग्स, हर चीज़ अच्छा वर्क करती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि पानी दबा के पिए, स्पेशली वर्कआउट के दौरान,
कार्डियो के दौरान ज़्यादा पानी मत पिए जब आपकी हार्ट बीट तेज होती है, लेकिन जब वर्कआउट आप कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपने पानी दबा के पीना है। ये चौथी गलती है जो कि लोगों को मैं देखता हूँ कितनी कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं पानी पीने से वेट गेन हो जाएगा, नहीं यार, पानी पीने से आपका, मैं तो कहता हूँ दिन में आप 8 गिलास मिनिमम लाजमी पानी पिए, आपकी स्किन फ्रेश होगी, आपके आपकी बॉडी अच्छी वर्क करेगी। तो ये चौथी गलती थी जो कि आप लोगों ने नहीं करनी। अब हम चलते हैं लास्ट गलती की तरफ, तो इस वीडियो को देखते जाएं। चले पानी पी लूँ यार थोड़ा सा। यार ये वेट लगाने का दिल ही नहीं चाह रहा, क्या करूं यार, कसम से। एक तो ये वेट ट्रेनिंग, ना तो फैट लूज हो रहा है ना कुछ, पता नहीं मैं क्यों लगा रहा हूँ वेट यार, लगाते हैं। सो गाइज, ये बहुत बड़ी गलती है जो कि आप लोग कर रहे होते हैं, नॉट लिफ्टिंग वेट्स। आप लोग समझते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारा फैट लूज नहीं होगा, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है यार। आपको ये लगता है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, और आपकी बॉडी जो है उस हार्ट रेट भी आपका ज़्यादा होता है, और आपकी बॉडी जल्दी फैट रिड्यूस करती है। तो प्लीज़ ये गलती मत करें। ये पांचवी गलती थी जो कि लोग वेट ट्रेनिंग ही नहीं करते, वो कहते हैं यार हमारे मसल बन जाएंगे। मसल ऐसे नहीं बनते, वेट ट्रेनिंग करने से मसल आपके तब बनते हैं जब आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो। और स्पेशली लड़कियाँ सोच रही होती हैं वेट ट्रेनिंग करने से ऐसा होगा, आपकी बॉडी भी शेप में आएगी, आपकी बॉडी फैट बर्निंग शेप में भी जाएगी। यार ये क्यों नहीं समझते आप लोग? तो आप कोशिश किए करें पेट पर भी वेट लगाए करें। जब आप एब्स लगा रहे होते हैं ना तो आप 5 किलो का वेट पकड़ लें, पेट पर भी वेट लगाएं, क्योंकि पेट के अंदर भी मसल होते हैं। तो प्लीज़ ये गलती करना छोड़ दें। ये लास्ट गलती थी जो कि फिफ्थ गलती थी, और अब आपने क्या करना है, इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना अगर आप एब्स चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बेली फैट कम हो। ये मेन 5 मिस्टेक्स थी जो कि हर बंदा कर रहा होता है, फिर उसका बेली फैट नहीं निकलता, कहते हैं यार ये क्या हो गया, बेली फैट नहीं निकला। तो प्लीज़ ये गलतियाँ करना छोड़ दें। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा फॉर माई डेली एक्टिविटीज़। सो अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे DM भी करिएगा, मैं लाजमी सपोर्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। टिल देन, अब्दुल्ला शेख साइन ऑफ, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप सब अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।